हाय, मैं हूँ प्रफुल्ल कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं संवाद संगीत, म्यूजिक दैट कनेक्ट्स। तो जब बात आती है गाने की, तो हम सब चाहते हैं कि आवाज़ को हम बिना एग्जॉस्ट किए, बिना उस पर स्ट्रेन डाले, बिना उसमें किसी तरीके का टेंशन डाले, उसका मैक्सिमम हम यूज़ कर सकें। तो ऐसा ही एक एक्सरसाइज मैं पहले एक ला चुका हूँ, हाउ टू फ्री योर वॉइस इन 10 सेकेंड्स। ये भी उसका ही एक दूसरा वर्जन है, एक एड ऑन एक्सरसाइज है उसमें। तो ये एक्सरसाइज में भी हम क्या करेंगे आज कि आवाज़ को फ्रीली कैसे यूज़ करना है, आवाज़ का मैक्सिमम यूज़ कैसे करना है, और कम एफर्ट डाले हुए आवाज़ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है बिना थकाए आवाज़ को। क्योंकि बहुत सारे लोग ने मुझे ये भी पूछा है कि आवाज़ का जब वो यूज़ करते हैं, जब वो प्रैक्टिस करते हैं, तो आवाज़ उनकी बैठ जाती है या थक जाती है या बहुत जल्दी उनकी आवाज़ में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो क्यों होता है, उसका क्या रीज़न है, उसको दूर कैसे करना है, इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। और ये एक्सरसाइज़ भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके बहुत सारे सिंगिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप रियाज़ करते हो, प्रैक्टिस करते हो या गाते हो, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आपको आवाज़ में पेन या टेंशन महसूस होता है या आपकी आवाज़ जल्दी बैठ जाती है या आपका गला दुखने लगता है, तो एक चीज़ आप महसूस करेंगे कि आपके जॉ का जो जस्ट नीचे का ये जो पोर्शन है, ये टाइट हो जाता है। अगर ये टाइट हो रहा है, अगर आपको महसूस होता है कि टाइट हो रहा है, और नहीं महसूस हो रहा है, तो आप उसको टच करिए। जब आप गाते हैं तो उसको टच करिए, जब आप अपने ऑक्टेव में ऊपर या नीचे जब जाते हैं, तो वो टाइट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर टेंशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। तो अगर ये टेंशन आ रहा है, ये आपका पोर्शन टाइट हो रहा है, टेंस्ड हो रहा है, तो इसको ही दूर करना है आपको, ताकि आप फ्रीली आवाज़ को प्रोड्यूस कर सकें। क्योंकि ये जब आपका लूज़ हो जाएगा, ये जब फ्री हो जाएगा, तो आपका आवाज़ आपका फुल पोटेंशियल पे वो यूज़ होगा, आपकी आवाज़ फुल्ली आप यूज़ कर पाएंगे और थकेगी भी नहीं आवाज़, और आवाज़ का जो रेंज है वो भी ईज़ में आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। सा लगाइए अपनी आवाज़ में, सा, और इसको ना इसको टच करके रखिए एक उंगली से, यहाँ पर थोड़ा सा जेंटल प्रेस करिए, सा, ज़्यादा भी मत प्रेस करिए, सा, और आकार ऐसा बहुत क्लियर आकार भी नहीं होना चाहिए, हमको चाहिए आवाज़ को फ्री करना है, फ्रीली आवाज़ को प्रोड्यूस करना है। तो और महसूस करिए कि ये टाइट हो रहा है कि नहीं, आपके जो नॉर्मल जो आपकी पिच है, नॉर्मल जो आपका स्केल है, उसमें जब आप सा लगाते हो तो ये टाइट हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है तो अपने ऑक्टेव के, अपने रेंज के ऊपर के पिच पे जाने की धीरे धीरे कोशिश करिए, विदाउट मेकिंग इट टेंस्ड, विदाउट कीपिंग इट टेंस्ड। जितना आप ऊपर जा रहे हैं उतना उसको रिलैक्स ही रखिए, जैसा नीचे की पोजीशन में, जैसा नीचे के सामने जैसा आपको फील हो रहा है, वैसा ही आपको आपके ऑक्टेव के, आपके रेंज के ऊपर के पिच पे भी फील होना चाहिए। तो जैसे सा, तो ये मैं मींड से गया, सा तो या तो आप मेंड से जाइए या आप डायरेक्ट स्टेकैटो लगाइए, सीधा लगाइए एक सा प आ आ आ, दोनों तरीके से करके देखिए। पहले आप स्टेकैटो लगाइए आ आ आ आ, लेकिन ये जो है ना, ये टाइट नहीं होना चाहिए। अगर ये टाइट हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है, तो उसको कम करने की कोशिश करिए, उसको ध्यान दीजिए कि वो टाइट ना हो, उसके ऊपर किसी तरीके का टेंशन क्रिएट ना हो व्हेन यू आर चेंजिंग योर नोट्स। तो इस तरीके से आपको ये जो शुरुआत में जब ये एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, तो आपको अपने कंफर्टेबल रेंज तक ही जाना है, जो आपका मैक्सिमम रेंज है वहाँ तक नहीं जाना है। जैसे आप, अगर आप हायर ऑक्टेव के गंधार तक जा सकते हो, जैसे सारे गा मा बा दा नी जा रे गा, यहाँ तक आपकी आवाज़ अगर जा सकती है, गा सा ग सा नी प म ग सा नी प, आप गंधार तक इजीली जा सकते होगे, पर आपको गंधार तक नहीं करना है। ये आपको कहाँ तक करना है, जो आपकी एक्चुअल कंफर्टेबल रेंज होगी, कंफर्टेबल जहाँ तक आपकी आवाज़ को बिल्कुल भी स्ट्रेन महसूस नहीं हो। तो आप कहाँ तक करिए इसको, मिडल ऑक्टेव के पंचम तक, सा रे गा मा पा, यहाँ तक करना है, सा नी धा पा, नीचे के प से लेकर के मिडल ऑक्टेव के प तक, इसी रेंज में फ़िलहाल इसको करिए कुछ टाइम तक। जब आपको ये मसल्स के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा कि नहीं, ये मैं मूव किए बगैर मैं पूरे इस रेंज में मूव कर सकता हूँ,
तो फिर धीरे धीरे आप एक एक नोट उसमें ऐड करते जाइए, प से फिर ध पे जाइए, नी पे जाइए, सा पे जाइए, और जो आपकी मैक्सिमम रेंज है वहाँ तक जाइए। जब आप ऐसा कर पाएंगे, जब आप इसको फ्री रखते हुए, इसको रिलैक्स रखते हुए, जब आप अपनी रेंज को पूरा कवर कर पाएंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी आवाज़ बिना थके, बिना एग्जॉस्ट हुए, बिना किसी तरीके का टेंशन लिए, बिना पेन के आप इजीली उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे, इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे, उसका फुल पोटेंशियल आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये तो मैंने बता दिया कि क्या करना है, अब उसमें किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, कैसे करना है, क्या करना है मैंने बता दिया कि इसको रिलैक्स रखना है, और कहाँ तक जाना है, कहाँ तक आना है ये मैंने बता दिया, कैसे करना है और कौन कौन से एक्सरसाइजेज इसमें इंक्लूड करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको सा सा से लेकर के पंचम तक, मिडिल ऑक्टेव के और लोअर ऑक्टेव के पंचम तक स्टैकैटो नोट्स में जाना है, हा रे गा मा पा, और वो भी आकार में, प्लेन आकार में, हा। और कम ड्यूरेशन पे लगाइए, हा 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 हा, इतना भी नीचे, जितना कम ड्यूरेशन पे लगाएं, जितना शॉर्ट नोट लगाएं। इसको पहले स्टैकैटो नोट्स में किया आपने, इसको उंगली रखिए, अगर आपको लगता है कि ये मूव हो रहा है तो उंगली रखिए, फील करिए और कोशिश करिए कि वो मूव ना हो, वो टेंस ना हो, ये पोर्शन जो आपका है ये टाइट ना हो। तो कैसे, हा। सा रे गा मा पा मा गा रे सा ने दा पा दा नी सा, ये आपने कवर कर लिया। अब ये जो आपने स्टैकैटो में किया, यही सेम चीज़ आपको मींड में करना है, स्लाइड में करना है, सांस में नहीं हो तो ब्रीथ कर लीजिए बीच में, ब्रीदिंग या तो ब्रीदिंग को लंबा लीजिए, एक ब्रीथ में करने की कोशिश करिए। अगर एक ब्रीथ में नहीं हो रहा है, एक सांस में नहीं हो रहा है, तो उसको पार्ट में करिए, सारे गामा पा तक जाइए, सा तक आइए, फिर एक ब्रीथ और लीजिए, फिर नीचे जाइए, फिर वापस आप आइए। तो इस तरीके से इसको फिलहाल आपको करना है, विदाउट यू नो कीपिंग एनी काइंड ऑफ टेंशन हियर, विदाउट मेकिंग एनी टेंशन ऑन दिस पार्ट। जितना ये रिलैक्स होगा आपका, उतनी आपकी आवाज़ फ्री होगी, उतनी आपकी आवाज़ रिलैक्स्ड होकर के निकलेगी। ये पहले आपने पंचम से पंचम तक किया, फिर जैसा मैंने कि आपको बताया, अपने पूरे रेंज में इसको करना है, एक एक नोट धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाना है, ग्रेजुअली ही करना है इसको। इस पर आपको ज़रा सा भी इम्पेशेंट अगर आप हुए, थोड़ा सा भी आपने धैर्य खोया इसमें, तो आपकी आवाज़ है ना, जैसा आप चाहते हैं वैसा बिहेव नहीं करेगी, आवाज़ थक जाएगी, आवाज़ की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो ये था ये वोकल एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया, ये वोकल एक्सरसाइज आप करिए, ये आवाज़ की सबसे बेहतरीन रियाज है। एक रियाज़ मैंने पहले ही बताया हुआ है, हाउ टू फ्री योर वॉइस, जिसमें मैंने जॉ और टंग का इंपॉर्टेंस बताया था। अब इसमें जॉ और टंग पे अगर आपने कंट्रोल किसी तरीके से कर लिया है, नहीं किया है तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें, उसको फॉलो करिए, और साथ ही साथ ये जो पोर्शन है आपका, जो आपके जॉ के नीचे, जस्ट नीचे का जो पोर्शन है, उसको भी रिलैक्स रखने की कोशिश करिए। ये एक्सरसाइज आप जितना अच्छे से करेंगे, जितना फ्रीली करेंगे, आपकी आवाज़ नेचुरल आवाज़ आप यूज़ कर पाएंगे, आपकी आवाज़ की क्वालिटी भी बेहतर होगी, आपका रेंज भी फ्री हो जाएगा, आवाज़ भी फ्री हो जाएगी, आवाज़ आपकी थकेगी नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सरसाइज पसंद आया होगा, इसको फॉलो करिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।